खबर दिल दहला देने वाली है और दर्दनाक है। नोएडा में मौत की लिफ्ट सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में की ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, आम्रपाली की ड्रीम वैली। इस सोसाइटी में लिफ्ट 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई और 4 लोगों की मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा दूसरी तस्वीर दिखाई प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये वो लिफ्ट यहां से गिरी है नीचे और उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई। ये वो लिफ्ट आप देख रहे हैं, 4 लोग इसमें जो काम कर रहे थे वो दरअसल सामान लेकर ऊपर जा रहे थे, उसी दौरान ये लिफ्ट गिरी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये वो 4 लोग जिनकी मौत हुई है लिफ्ट गिरने से, बेहद दर्दनाक। पुलिस मौके पर पहुंची इस घटना के बाद, पुलिस ने एक्शन लिया है, इस पूरे परिसर को पुलिस ने सील कर दिया है। लेकिन 4 जिन बेगुनाहों की जाने गई है, आखिर उनकी जाने वापस नहीं आ सकती, कौन जिम्मेदार है? आपको बताता हूं, एक्शन लिया है योगी की पुलिस ने इस मामले में। हादसे के बाद योगी सरकार सख्त है और सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है, मृतकों के रिश्तेदारों से संवेदना व्यक्त की है, घायलों को समुचित इलाज कराने को कहा गया है, अफसरों को तुरंत मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, ग्रेटर नोएडा के सीईओ और प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं। आनन फानन में वहां पुलिस का अमला भेजा गया है, प्रशासन ने पूरे प्रोजेक्ट को खाली कराया है, प्रोजेक्ट खाली कराने के बाद सील कर दिया गया।